हेलो दोस्तों, अभी हम देख रहे हैं वेब सीरीज लॉक एंड की और आज हम इसका सेकंड एपिसोड देखेंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नीना उस जादुई आईने के अंदर चली जाती है और फिर टाइलर बहुत मुश्किल से उन्हें बाहर निकाल लाता है। अब सुबह का वक्त है, किन्जी अपने मॉम से पूछती है, क्या आपको सच में कोई याद नहीं है, कल क्या हुआ था? नीना कहती है किस बारे में, और वो कहती है कि हम आईने को पॉलिश करवा देंगे। अब किन्जी बोडी से कहती है कि हो सकता है कि कल जो कुछ भी हुआ वो हमारा वहम हो। तब बोडी किन्जी को दूसरे रूम में ले जाता है और फिर एक आईने में की लगाता है और किन्जी को फिर अपना अक्स दिखाई देता है और वो उसे अंदर बुलाता है। किन्जी को यकीन हो जाता है कि ये उसका वहम नहीं था। तभी टाइलर आ जाता है और वो चाबी तुरंत निकाल देता है और बोडी से पूछता है कि क्या तुम्हें सिर्फ यही एक की मिली है? बोडी कहता है हाँ। तब किन्जी उससे पूछती है कि वो की कहाँ गई जो तुमने मेरे ब्रेसलेट से निकाली थी? बोडी कहता है वह घूम गई। बोडी उनसे झूठ कहता है और वो किन्जी को नहीं बताता कि वो की उसने उस कुएं वाली लेडी को दे दी है। अब टाइलर वो की अपने पास रख लेता है और किन्जी और टाइलर स्कूल जाने लगते हैं। किन्जी टाइलर से कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम एक ऐसे जादुई घर में रहते हैं जहां बहुत सारी मैजिकल कीज हैं। टाइलर कहता है अब ये बातें करना बंद करो क्योंकि मेरे फ्रेंड आ चुके हैं। तभी टाइलर का फ्रेंड टाइलर से कहता है कि तो तुम यहां रहते हो, मैंने इस की हाउस के बारे में बहुत कुछ सुना था पर इसे देखा कभी नहीं था, और वो की हाउस से रिलेटेड बहुत सारी कहानियां उन दोनों को बताता है। और फिर वे लोग स्कूल चले जाते हैं और यहां बोरी अकेले ही खेल रहा है। वो पूरे घर में घूम रहा है और ये घर काफी बड़ा है। तभी उसे फिर से कुछ फुसफुसाने की आवाज आती है। वह आवाज का पीछा करता है और उसे वैक्यूम क्लीनर से एक और की मिल जाती है और यहाँ ये तीनों स्कूल आ जाते हैं। यहाँ एक लड़की है जिसका नाम ईडन है और टाइलर उसे पसंद करता है। यहाँ घर पर नीना रिपेयरिंग कर रही होती है। तभी वहाँ एक औरत आती है, इसका नाम एलिट ईडन है, और ये नीना से कहती है कि मेरा बेटा रूफस यहाँ ग्राउंड की देखभाल करता है। ये वही रूफस है जो बोडी को अपना टॉय दिखा रहा था जब वे आइसक्रीम खाने आए थे। वो नीना को बताती है कि वह और नीना के हस्बैंड एक साथ पढ़ते थे और अभी वो टाइलर के स्कूल में ही पीटी टीचर है। नीना कहती है मैंने शायद तुम्हें किसी फोटो में देखा है, और वो उसे अपने हस्बैंड के फ्रेंड की फोटो दिखाती है। एलिट कहती है कि ये हमारा ग्रुप था, पर उसके एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है कि वो कुछ छुपा रही है। तभी नीना को एक कॉल आता है जो कि उसके स्कूल से है, क्योंकि उसके बच्चों की फीस अभी बाकी है। अब एलिट भी घर से जाने लगती है और यहाँ बोडी इस नई की को हर जगह लगाकर देख रहा है पर की कहीं भी नहीं लगती। वह घर से बाहर जाता है और उसे एक लकड़ी का छोटा सा घर दिखाई देता है। वो की को उसके दरवाजे पे लगाने ही लगता है तभी वहाँ रूफा से आता है और बोडी उसे पहचान जाता है। वो दोनों अपने टॉय वाले सोल्जर और उसके वेपन्स के बारे में बातें करते हैं। बोडी कहता है कि तुम्हें वेपन्स का काफी नॉलेज है। अब बोडी उसे पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से उस दुश्मन के लिए सबसे अच्छा हथियार कौन सा होगा जो दुश्मन दिखता ही ना हो। रूफस उसे घर के अंदर लाता है और उसे एक बहुत हैवी वेपन देता है। असल में बोडी उस कुएं वाली लड़की से बचने के लिए हथियार ढूंढ रहा है, और दूसरी तरफ ये लड़की एक रेस्टोरेंट आती है और वहाँ बहुत सारा खाना खाती है। वो बहुत गंदे तरीके से खाना खा रही है और अब खाना खाने के बाद वेटर से पूछती है कि बाथरूम कहाँ है। तभी वह टीवी पर एक मॉल को देखती है। वह अपनी की को बाथरूम के दरवाजे पर लगाती है और जब वो दरवाजा खोलती है तो उसी मॉल में पहुंच जाती है। वो यहाँ पर अपने कपड़े चेंज करती है और फिर एक दरवाजे पर की लगाकर वो एक ज्वेलरी शॉप में जाती है और वहाँ से एक नेकलेस चुरा लेती है और एक दूसरा दरवाजा खोलकर एक डिस्को में पहुंच जाती है। अब सीन चेंज होता है और किन्जी यहाँ एकेडमी में लंच कर रही है। तभी उसे टाइलर दिखाई देता है। वह टाइलर को बुलाती है पर वो उसके पास नहीं जाता और उसे इग्नोर करके कहीं और निकल जाता है। तभी यहाँ स्कॉट आ जाता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। तभी यहाँ ईडन भी जाती है और वो स्कॉट से कहती है कि आज वो रिहर्सल पर नहीं आ पाएगी। दरअसल ये लोग एक शॉर्ट मूवी बना रहे हैं और उसी की रिहर्सल करते हैं और ईडन इसमें लीड रोल कर रही है और स्कॉट उसे सेट पर आने के लिए कहता है। हाँ, नीना लॉक अपने बच्चों की फीस जमा करने आई हुई। तभी वहाँ एक आदमी आता है, इसका नाम जो रिजवे है और वह इस स्कूल का डीन है। वह नीना से कहता है कि उसका बेटा टाइलर पूरी तरह अपने डैड जैसा है। वह नीना को बताता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड रैंडल लॉक का भी टीचर था। नीना पूछती है फिर तो आपने उसके दोस्त एली लोकस और बाकी लोगों को भी पढ़ाया होगा। मिस्टर जो कहते हैं हाँ बिल्कुल, ये सारे लोग बेस्ट फ्रेंड थे और हमेशा साथ में रहते थे। वो आगे कहते हैं कि उन सबके साथ बहुत बुरा हुआ था, पर नीना को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वे क्या कहना चाहते हैं। और अब मिस्टर जो यहाँ से चले जाते हैं। अब हमें टाइलर को दिखाया जाता है, वो अपने डैड को याद करता है और उसे याद आता है कि जब उसके फादर ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया था और उसे पूछा था कि सैम लेजर कैसा लड़का है। तब टाइलर कहता है कि वो थोड़ा अजीब लगता है और उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं है। उसके डैड टाइलर से कहते हैं कि तुम्हें सैम से दोस्ती करनी चाहिए क्योंकि उसे सहारे की जरूरत है, पर टाइलर मना कर देता है। उसके डैड कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है और सैम भी तुम सबके साथ रहकर सुधर जाएगा। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और यहाँ टाइलर की मॉम टाइलर को बुलाती है और उसे स्कूल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने को कहती है और यहाँ से घर चली जाती है। तभी टाइलर को एक लड़का दिखाई देता है जो उसके फ्रेंड की कार पर पत्थर से स्क्रैच कर रहा है। उसके दोनों पैर नकली हैं पर टाइलर उसे कुछ भी नहीं कहता। अब यहाँ बोडी अपनी मॉम के साथ मार्केट आया हुआ है। वह शॉपकीपर को की दिखाता है और पूछता है कि क्या आपके पास ऐसी कोई की है, क्योंकि उसने वो की हर दरवाजे पर लगा के देखी थी पर वो कहीं भी नहीं लग रही थी। वो शॉपकीपर उस की के जैसी दूसरी चीज को ढूंढने के लिए पीछे मुड़ता है। तभी बोडी देखता है कि शॉपकीपर की गर्दन
गर्दन पर लॉक बन गया है। वह उस की को उसकी गर्दन पर लगाने ही वाला होता है कि वह वापस सामने घूम जाता है और बॉडी को बहुत सारी कीज देता है। नीना यहाँ सामान ले रही है तभी उसे एक हैमर दिखाई देता है। वह उसे उठाती है और उसे पानी बात याद आने लगती है जब सैम ने उसके हस्बैंड को गोली मार दी थी और वह किन्जी को भी मारने के लिए ढूंढ रहा था। तभी नीना एक हैमर उठाती है और सैम के सर पर मार देती है। कहानी प्रेजेंट में आती है और नीना अपने घर पर है। तभी वहाँ एलियट आ जाती है और वो दोनों बातें करते हैं। नीना कहती है कि जब मैं स्कूल में इंग्लिश टीचर से बात कर रही थी तब वो किसी हादसे के बारे में बता रहे थे, तो क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? एलियट कहती है जब हम अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में थे तब एक दिन हम सब एक सी केव देखने गए थे, पर तभी वहाँ एक तूफान आ गया था और हमारे 3 दोस्त वहीं डूब गए थे। नीना हैरान होकर पूछती है कि रैंडल ने मुझे कभी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया? एलियट कहती है शायद वो इसे याद नहीं करना चाहता होगा। और वहीं बॉडी उस वेपन को लेकर अपने रूम में आ जाता है। दरअसल ये एक ट्रैप है। बॉडी उसे ओपन करता है और उसमें एक की रख देता है। उसे लगता है जब वो कुएं वाली लड़की इस की को उठाएगी वह इसमें फंस जाएगी। अब यहाँ टाइलर और उसके फ्रेंड्स बियर शॉप में है और वो बातें कर रहे हैं कि कार में स्क्रैच किसने मारा होगा। वहाँ वह लड़का भी होता है जिसने टाइलर के फ्रेंड की कार में स्क्रैच मारा था। टाइलर उसे देख लेता है, अपने फ्रेंड से नहीं बताता कि इसी ने ऐसा किया है। अब वो लोग वहाँ से बियर चुराते हैं और एक बोतल टाइलर को भी जैकेट में छुपाने के लिए दे देते हैं। टाइलर ऐसा करने से मना करता है पर हवी एक बोतल उसे दे देता है और वो लोग जाने लगते हैं, पर तभी शॉपकीपर आ जाता है और वो दोनों उसे धक्का देकर भाग जाते हैं और वो गिर जाता है। टाइलर वहाँ से नहीं भागता और शॉपकीपर को उठाता है और बियर की बोतल भी वापस करता है और शॉप ओनर पुलिस को फोन करने लगता है। तभी वही लड़का आ जाता है जिसने कार पर स्क्रैच किया था। वो शॉप ओनर को पहचानता है और कहता है कि ये मेरी बोतल है और इसने सिर्फ इसे पकड़ा था। वो शॉप ओनर को बताता है कि ये टाइगर लॉक है जो की हाउस में रहता है। अब शॉप ओनर उन दोनों को जाने देता है। यहाँ बॉडी जैसे ही उस की को अपनी गर्दन के पास ले आता है वहाँ भी एक लॉक बन जाता है और वो डर जाता है और चाबी नहीं लगाता। और कुछ ही देर बाद उसकी रूम का दरवाजा खुलता है और वही कुएं वाली औरत यहाँ आ जाती है। वो बेड पर एक की देखती है जिसके नीचे बॉडी ने जाल बिछाया है। वो जैसे ही की लेने जाती है उसका टेडी बियर उस जाल में टच हो जाता है और वो बंद हो जाता है। वो लड़की सब समझ जाती है और कहती है तुम्हें क्या लगा बॉडी तुम मुझे जाल में फंसाओगे और मैं वो की तुम्हें वापस दे दूंगी, मैं तो तुम्हें अपना दोस्त मानती थी। बॉडी कहता है कि हम दोस्त नहीं है। अब वो लड़की पूछती है तुम्हें और कौन सी की मिली है? बॉडी चिल्लाकर कहता है मुझे कोई की नहीं मिली। वो बॉडी का गला दबा देती है और कहती है कि वो जल्दी से जल्दी मुझे और भी कीज ला कर दे और फिर वह वहाँ से चली जाती है। यहाँ स्कॉट के घर पर सभी शूट की तैयारी कर रहे हैं। तभी एक लड़का जिसका नाम गेव है वह आता है। उसने एक केकड़े की कॉस्ट्यूम पहनी हुई है और स्कॉट उसे किन्जी से मिलवाता है। दरअसल ये यहाँ एक सीन शूट करने वाले हैं जिसमें ये केकड़ा वाला लड़का हीरो पर हमला करेगा और जेडी बटन दबाकर उसका सर उड़ा देगी और एक पाइप के थ्रू खून ईडन के ऊपर गिरेगा। इस फिल्म में ईडन के कैरेक्टर का नाम अमेंडा है और वह इस खून वाले सीन के लिए मना कर देती है। सभी लोग उसे समझाते हैं ये असली खून नहीं है सिर्फ कॉर्न सिरप और कलर है, पर ईडन नहीं मानती और वो कहती है कि या तो मुझे चुनो या इस खून को। पर तभी सभी लोग कहते हैं कि खून इस स्क्रिप्ट की डिमांड है और वह जरूरी है। इस पर ईडन गुस्सा हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। सब सोचते हैं कि अब ये सीन कैसे शूट होगा। तभी डग कहता है कि ये सीन किन्जी को करना चाहिए और किन्जी भी मान जाती है और वो अमेंडा का रोल प्ले करेगी और उसके बॉयफ्रेंड का रोल स्कॉट करेगा जिसमें उसका नाम नथानियल है। अब स्कॉट किन्जी को सीन समझाता है और वो शूटिंग चालू करते हैं। वो केकड़ा नथानियल का सिर उड़ा देता है और अब किन्जी का रोल है। पर तभी उसे वह सीन याद आता है जब सैम उसे मारने के लिए उसे ढूंढ रहा था और वो अपना डायलॉग भूल जाती है। वो बहुत ज्यादा घबरा गई है। तभी सभी लोग शूटिंग रोक देते हैं। अब सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि नीना और डंकन डिनर कर रहे हैं। वो डंकन से पूछती है कि रैंडल ने मुझे उस हादसे के बारे में क्यों नहीं बताया। वो उसी हादसे के बारे में पूछ रही है जो एलियट ने उसे बताया था कि उसके दोस्त कैसे पानी में डूब गए थे। डंकन कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं। नीना कहती है तुम रैंडल के भाई हो और तुम्हें कैसे कुछ याद नहीं। और यहाँ हमें पता चलता है कि डंकन रैंडल लॉक यानी कि नीना के हस्बैंड का छोटा भाई है। डंकन कहता है मुझे सच में कुछ नहीं पता तो मुझे याद क्यों नहीं है। वो कहता है मुझे ऐसा लगता है जैसे उस वक्त की कोई भी यादें मुझे याद नहीं है और इसलिए मेरा इस घर में रहने का बिल्कुल मन नहीं करता। तभी किन्जी आ जाती है और वो सीधे अपने रूम में चली जाती है। उसे फिर अपने डैड की याद आती है जब उसके डैड ने उसे वही ब्रेसलेट गिफ्ट किया था जिसमें वो एनीवेयर की थी। उसके डैड उसे ये ब्रेसलेट पहनाते हैं और कहते हैं कि ये हमारे परिवार की एक अमानत है और वो किन्जी से कहते हैं कि इसे हमेशा संभाल कर रखना और किन्जी वो बातें याद करने के लिए रोने लगती है। यहाँ बॉडी उस की को अपनी गर्दन पर लगा लेता है और तभी वहाँ उसके पीछे एक और बॉडी खड़ा होता है, पर वह ओरिजिनल बॉडी कोई मूवमेंट नहीं करता और वो दूसरा वाला बॉडी अपने आप को देखता है और फिर वह एक बॉक्स खोलता है और उसके अंदर चला जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ किन्जी टाइलर का वेट कर रही है। तभी वो आता है और किन्जी उसे कहती है कि तुम लेट घर आती हो और मुझे मॉम से झूठ बोलना पड़ता है कि तुम लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो। टाइलर कुछ नहीं बोलता और अपने रूम में जाने लगता है। किन्जी कहती है पहले तुम मुझसे बातें करती थी पर अब तो ऐसा लगता है जैसे हम, और इतना बोलती ही उसकी नजर बॉडी के रूम पर पड़ती है जहाँ वह एक स्टैचू की तरह खड़ा है। वो दोनों भाग कर उसके रूम में आते हैं और बॉडी को आवाज लगाते हैं पर वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता। तभी उस बॉक्स से बॉडी बाहर जाता है और कहता है तुम्हें यहाँ आकर देखना चाहिए, उस बॉक्स में काफी ज्यादा
लाइट जल रही है और बॉडी वापस उसके अंदर चला जाता है और यहाँ ये दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, बॉडी को ये नई की कौन सी मिली है और ये क्या काम करती है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।